अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरह जो है एडिट कर सकते हैं और अपने थंबनेल यूट्यूब के लिए किस तरह बना सकते हैं। बहुत हम अच्छा जो थंबनेल होता है परफेक्ट थंबनेल, वो हम किस तरह बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे अल्टीमेट थंबनेल मेकर, ये हमें सर्च करना है। टी एच ई लिखना है तो आ जाएगा सामने अल्टीमेट थंबनेल मेकर। थंबनेल से मैंने पहले कर डाउनलोड किया, ओपन करना है, लेकिन अभी ओपन ही करना है। अभी बाकी भी ऐप्स के बारे में आपको बताना है। बैकग्राउंड रिजर्व में सर्च करना है सामने, आगे थर्ड नंबर पे जो है ये बैकग्राउंड, ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये एडिटिंग ऐप्स है, और जिस ऐप से मैंने चढ़ाना है वो हम सर्च करते हैं यूट्यूब स्टूडियो, जिससे हम जो है यूट्यूब पे थंबनेल चढ़ाएंगे। ये यूट्यूब स्टूडियो हम जो है ये देखिए सामने आ गया। अब इसे हम सर्च करेंगे, तो ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे अब नीचे करते हैं, तो इसे स्किप करते हैं हम। अब हम जो है अपने ऐप्स को खोलते हैं। मैं अपने ऐप्स को खोलता हूँ। सबसे पहले जो है बैकग्राउंड रेजर के ऐप्स को हमने खोलना है, लोटा फोटो को दबाना है। और सबसे इसकी अच्छी चीज़ ये है कि बैकग्राउंड रेस की कि हम जूम करके भी अच्छे तरीके से जूम करके भी इसमें से जो जो हमने स्किप करना होता है बैकग्राउंड वो हो सकता है। तो चलिए अब मैं रेस करना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मुझे 20 से 25 मिनट लग गए इस पे, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह का था एक जो ट्रैक के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा वो, ये हम इससे पहले रेस करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट सेम टू सेम मैंने जो है रेस किया, और हम जो है इसे सेव को दबा देंगे, फिनिश को दबाएंगे, और हम इसे स्किप करके अब हम दबाएंगे थंबनेल मेकर को, क्योंकि अब थंबनेल हमें अब बनाना है इसका थंबनेल मेकर। तो सबसे पहले हमने जो है क्रिएट थंबनेल को दबाना है। सबसे पहले हमने बनाया है 16:9 को, आपने दबाना है जो आएगी, ये देखिए ये ऐड आ गई, क्योंकि इस थंबनेल मेकर में बहुत ऐड आती है। तो चलिए ये खर हम दबाएंगे 16:9 वाली को। यूट्यूब के हिसाब से 16:9 ही सही है, अगर आप बनाएगा तो पूरी नहीं आएगी, इसलिए 16:9 को आपने दबाना है। तो कोई भी ढूंढता हूँ इसके मुताबिक हमको सो लगता है। तो वाटर कलर मेरे ख्याल से सही है ये, चलो इसे दबाते हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है, लेकिन तीनों में से कोई भी नहीं है। सीमर को दबा के देखते हैं। ओ ये वुड वाले को दब गया। ओ फिर इसे हम साइड पे करते हैं, हमें वाटर कलर को दबाना है सीमर को। तो ये देखिए वाटर कलर में बहुत से हमारे साथ वेराइटीज़ आ गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरी वाली सही है, तो मैं आखिरी वाली को दबा दिया। तो दोस्तों आपने जिस तरह की उसके साथ मैच हुई है, तभी आपने उसी के मैच के मुताबिक थंबनेल की जो बैकग्राउंड है, आप अपना बैकग्राउंड भी ले सकते हैं कैमरे को दबाकर, अपना बेशक जो भी मर्जी आप बैकग्राउंड ले ले। तो एक और ऐड आई है, हम क्रॉस करके इमेज को दबाएंगे अब हम, और यूज़ गैलरी जो हमने अभी बैकग्राउंड से रेस करके जो फोटो बनाई है, जो रेस की है फर्स्ट टाइम्स की। तो मैं ना सिर्फ एक तरीके के लिए बस इस तरह की है ये वीडियो बनाई है एक, कि बस मैंने थंबनेल ऐसे ही बनाया। तो ये देखिए मैंने स्टम्प्स लगा लिए जहाँ, तो मैं टेक्स्ट लगाऊंगा और लिख दूंगा कुछ भी जो लगा अच्छा लगे। हाउ हाउ लेट्स एलईडी स्टम्प्स वर्किंग मेन टिप्स, तो सर मैंने ये लिख दिया मेन वीडियो, तो टिप्स नहीं मेन वीडियो। तो ये हम जो है अब आप अपनी तरफ का भी जो हमने जो लिखा है टेक्स्ट, उसमें कलर भी अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकती है जिससे का मैच हो रहा हो, क्योंकि ब्लैक एंड रेड है तो मैं ब्लैक ही रखूँगा कलर, और शेडो में रेड ले आऊँगा क्योंकि रेड रेड चाहिए, तो मेरे ख्याल से रेड अच्छा रहेगा। तो रेड को दबाता हूँ मैं, सही लग रहा है मुझे ख्याल से, या येलो पे दबाती है क्योंकि पीछे येलो भी थोड़ा सा सीन आ रहा है, तो ये भी सही है। तो मैंने येलो वाले को सेलेक्ट करके वो इसे डाउनलोड कर दिया मैंने। तो व्यू थंबनेल एक और ऐड आई। तो दोस्तों ये इसी तरीके से हमारी जो है थंबनेल
तरीके से बनाती है, किसी भी जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हमें हम शेयर कर सकते हैं। तो सो आपको वीडियो कैसी लगी ये, उम्मीद है कि मुझे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गैलरी में जाती है और हम जो है खोलते हैं फोल्डर द थंबनेल डिज़ाइन। तो ये देखिए हमारा थंबनेल बनना वो आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।